हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे ये जो लबड़ है, लबड़ के चिक्स, तीन चिक्स निकला हुआ है अंडे से, और यहाँ में जो ये कॉकटेल का केज है, इसमें तो जानते हैं आप लोग, दो कॉकटेल के बच्चे हैं। लास्ट जैसे 5-6 दिन पहले मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया था, और 5-6 दिन के बाद आज फिर से आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना बड़ा हुआ है कॉकटेल के चिक्स। और मेरा जो यहाँ में इस केज पर जो है, ये रोजी के बच्चे को आप लोगों को दिखाऊंगा, ये है यहाँ पे है। तो चलिए, इसको पहले खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए चाबी ले लेता हूँ। ये चाबी यहाँ पे रखा हुआ है, और इसे खोलूँगा। और उससे पहले ये देखिए, मेरा बजिस का जो केज है, इसमें मैंने एक एलईडी बल्ब लगा दिया है, और इसके वजह से इतने अच्छी तरह से रोशनी निकल रहा है। इसलिए लगा दिया ये लाइट, क्योंकि मुझे एकदम आसानी से दिख जाता है बाहर से ही बॉक्स में क्या है क्या नहीं। ये देखिए, ये इसमें बच्चा है, और ये देखिए, ये मेरा है शेली भी देख रहा है। हाय शेली। तो अपन चलिए पहले इस बॉक्स को खोलते हैं इस चाबी से। इसको पहले खोलेंगे, खुल गया। और ये जो कपड़ा है, कपड़ा को थोड़ा हटा देंगे और इसको निकालते हैं। फीमेल को, फीमेल अंदर ही है। फीमेल निकल गए है, और इसके बच्चे को देखिए। इसमें 5 अंडा दिया था फ्रेंड्स, 5 अंडे में से इस बार इस फीमेल ने 2 अंडा खराब कर दिया है, और तीनों बच्चे निकल गए हैं। ये देखिए, मैं एक बार बाहर निकल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बहुत ही छोटा है, अंदर फिर से चला गया। देखिए, निकलो 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 निकलो, इसको रखना है। देखिए, ये मेरे हाथ में है, और इसका जो मम्मी है, एकदम फटाक से अंदर चला गया। ये देखिए, ये इसको निकालना पड़ेगा। चलो 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 चलो, कमॉन कमॉन, बाहर निकलो। तो फ्रेंड नहीं निकल रहा है। ये देखिए, एकदम जाके कोने में जाके बैठा हुआ है। इसको नहीं निकालूंगा तो मैं रख नहीं पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इनको बाहर निकालता हूँ, इसलिए कि मैंने को थोड़ा पोस्ट कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इसका जो मम्मी था, उसको मैं बाहर निकाल दिया है, और निकाल के इसका जो अंदर आने वाला दरवाज़ा है, इसमें ये कपड़ा मैं दरवाज़ा बंद करके कपड़े से, अभी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा पाऊँगा। ये देखिए, इसमें तीन है, और इसका जो मम्मी है, पेरेंट्स है, तो एकदम बढ़िया तरह से खाना खिलाया है। ये देखिए, चलिए रख देते हैं। और कितना गुस्सा कर रहा है देखिए, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। चलिए इसको जाने देते हैं। ये दरवाज़ा है ना, ये दरवाज़ा को खोल देते हैं, और
ये इसका जो विदिंग बॉक्स है इसको बंद कर देते हैं, ये लॉक भी लगा देते हैं। लॉक लगा दिया है और चाबी को निकाल लेते हैं। और अभी मैं बजिस का दरवाज़ा खोलूंगा और खोलते ही जैसे ही मैं पर्दा गिरा दूंगा ऐसे, और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये देखिए एक बच्चा है और उसका मम्मी फिर से अंडा दो लेकर दिया है। मम्मी अंडे पे बैठा हुआ है और एक बच्चा मम्मी के साथ ही बैठा हुआ है। और एक बच्चा था शायद उस बॉक्स में घुसा होगा शायद। ऊपर देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें देखेंगे, इसमें एक बच्चा है और एक अंडा है। और फ्रेंड्स इन दोनों में ही है और बाकी बॉक्स में फिलहाल कुछ नहीं है, तो चलिए बंद कर देते हैं। बंद कर दिया और ये जो रोजी का फीमेल था ये अंदर चला गया है इस बॉक्स के अंदर। और अभी जो हम लोग देखेंगे, अभी देखने वाले हैं ये कॉकटेल के बच्चे को। चलिए इस ब्रीडिंग बॉक्स को भी एक बार खोल के देख लेते हैं। इन दोनों को देखिए, काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये देखिए पहले जो आप लोगों को दिखाया था इनका पंख वगैरह इतना बड़ा नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा ही आया था, लेकिन कुछ दिनों में ही देखिए कितना बड़ा हो गया है ये दोनों। ये दोनों देखिए, मैं एकदम नज़दीक से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा है और ये उनसे थोड़ा सा छोटा है। एक बार मैं हाथ में ही लेकर देखता हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा है ना। रुको 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 रुको। और इसका मम्मी ने देखिए कितनी अच्छी तरह से इसको खिलाया है पेट भर भर के। इसका भी एकदम से पेट भरा हुआ है। और इसका देखते हैं, इसका भी एकदम से भरा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और जैसे मैं सुबह में इनका जो पेरेंट्स है मतलब इस केस पर सॉफ्टवुड में जब मैं ड्यूटी पर चला जाता हूँ, काम के लिए चला जाता हूँ, मैं सॉफ्टवुड इन लोगों को दे के जाता हूँ। और फिर रात को मतलब जैसे मैं अभी अभी आया हूँ काम से, तो अभी मैं इन दोनों का जो ये प्लेट है इसमें फिर से सॉफ्टवुड दूंगा। जैसे ही सॉफ्टवुड खाते ही इन दोनों को आके खिलाने लग जाते हैं। और इसलिए इस दोनों का जो सेहत है बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। और फ्रेंड्स इसका जो ब्रीदिंग बॉक्स है, इसका ब्रीदिंग बॉक्स मैं दो तीन दिन बाद ही ये साफ कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही गंदा कर देता है ये दोनों। और अभी आप लोगों को बोला है जितना मैं उन लोगों को देता हूँ तुरंत ख़त्म करके इन बच्चे को खिला देता है। और अभी देखिए बहुत ही गंदा हो गया है, मैं कल फिर से एक बार साफ़ कर दूंगा। तो फ्रेंड चलिए बंद कर देते हैं। और इसका जो लॉक है लॉक भी लगा देते हैं, इसका लॉक भी लगा दिया है। और ये मेरा और फ्रेंड्स ये मेरा जावा का है। जावा इसके ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर है और अभी मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए अंदर है इसका जो
एक से एक मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत अंदर है ये दोनों। देखिए शायद बच्चा भी है एकदम से, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है वो। देखिए तो फ्रेंड्स वो नीचे देखिए, मुझे तो दिख रहा है एकदम छोटा सा अंदर ही है, बच्चे के ऊपर मम्मी बैठा हुआ है। चलिए बाद में दिखाएंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद में दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, ये है एक अंडा जिसके ऊपर एक ब्लू फिरोजी बैठा हुआ था। दो अंडा ले किया था और एक अंडे में से बच्चा निकल भी आया था, लेकिन आज जैसे सुबह ही मैंने देखा बॉक्स को, एक बच्चा अंडे से बाहर आकर मरा भी हुआ था, इसलिए उन बच्चे को फेंक दिया है। अभी और एक अंडा है और इस अंडे भी फर्टाइल है, मैंने चेक किया था, इसलिए इसको रख दिया है। देखते हैं कुछ दिन, ये नया नया अंडा दिया है इस बार, इसलिए हो सकता है ऐसा हुआ है। और ऊपर धरती मरे ऊपर चला गया है। और यहाँ में है बच्चा, ये जो बच्चा है मैंने जो फर्श आप लोगों को दिखाया था वो, ये जो रोजी है इसका ही बच्चा यहाँ में मैंने सेपरेट से रख दिया था चार। और ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्लाई कर रहा है। और अभी इधर डर के मारे एकदम पूरा आवाज कर रही है, पूरा एक्टिव है। और इन लोगों का हेल्थ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं मेरा जो यहाँ में जितने भी बर्ड्स है मैं इन सारे बर्ड्स को पूरा अच्छी तरह से ख्याल रखता हूँ। जितना मेरे से हो सकता है मैं इन बर्ड्स के लिए उतना मैं करता हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है पिजन, इसमें दो पिजन है और इसमें है एक, और इसका जो साथी था फ्रेंड्स आज सुबह ही उसका डेथ हो गया है। कुछ बीमार हुआ था, पता नहीं कैसे क्या हुआ था, लेकिन आज सुबह उसका डेथ हो गया है, इसलिए ये अकेला अकेला है। बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे भी। और इस बेचारे ने एक अंडा भी लेकर दिया है, ये देखिए ये अंडा भी लेकर दिया है, और बहुत ही सैड, और ये बहुत ही सैड मोमेंट है आज। और बहुत ही चुपचाप बैठा हुआ है, इसका जो साथी है साथी नहीं है। मुझे भी बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें हो गया। तो फिर चलिए, और ये तो ये पिकू है, हाय पिकू, हेलो। और फ्रेंड्स अभी जो मेरा जो ये दो कॉकटेल है ये मुझे एकदम इशारा दे रहा है, क्योंकि इसके जो प्लेट है प्लेट पूरा खाली है। अभी मैं 100 फुट दूंगा फिर से इन दोनों को, देखिए कैसा दिख रहा है और बोल रहा है कि मुझे खाना दो, बच्चों को खिलाना है। और इसलिए मैं अभी इन दोनों को फिर से 100 फुट दूंगा। और चलिए इसका 100 फुट रेडी कर लेते हैं। और उससे पहले ये देखिए, ये भी जावा है, ये जावा 5-6 है यहाँ में, बहुत ही बड़ा हो गया है इस 5-6 भी, ये 5। और यहाँ में 2 कॉकटेल। चलिए अभी मेरे इस कॉकटेल के लिए 100 फुट रेडी करके लाते हैं। और फ्रेंड्स यह है 100 फुट जो मैंने सुबह में ही भिगो के रख दिया था, ये भीग गया, भीग चुका है अच्छी तरह से।
इसको ही मैं दूंगा, लेकिन इसका जो पानी है पानी को फेंकना होगा। इसमें डाल देता हूँ सारा। और इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और मैंने गैस पर पानी गर्म होने के लिए दे दिया है, क्योंकि अभी ठंडे का मौसम है और ठंडी बहुत ज़्यादा ही गिर रहा है, और इसके वजह से ये 100 फुट पानी में भीग के बहुत ही ठंडा हो गया है। इसलिए मैं कुकर को जितना भी दूंगा, मतलब इतना गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो के दूंगा, ताकि मेरे कॉकटेल के बच्चे को ठंडी से कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठंडी ना लगे। इसलिए तक देंगे 100 फुट। तो फिर चलिए, अभी ये पानी गर्म भी हो गया है, और अभी एक कटोरी ले लेते हैं और इसमें ना 100 फुट में डाल देते हैं, जितना अभी मैं मेरे कॉकटेल को दूंगा। ये हो गया है और ये है गर्म पानी, और ये गर्म पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है, और इस पानी को अभी मैं इस कटोरी में डाल देता हूँ, ताकि इसमें जो 100 फुट है थोड़ा गरम हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा 100 फुट है, इसके जो पानी था, पानी मैंने फेंक दिया है, और अभी मैं दूंगा मेरे कॉकटेल को। ये देखिए 100 फुट, देखते ही कैसा कर रहा है, वो समझ गया है। इनके लिए मैं 100 फुट लाया हूँ खाने के लिए। ये देखिए दरवाज़ा खोलते ही एकदम दरवाज़ा के नज़दीक आ जाता है, ये दोनों एकदम पूरा चेंज हो गया है, मतलब पता चल जाता है सबको देखते ही कि अभी और ये देखिए इन लोगों को पता चल जाता है सबको देखते ही। एक्चुअली मुझे देखते ही, मैं जब भी काम से रात को आता हूँ, मुझे देखते ही इन लोग मतलब बोलने लगते हैं कि मुझे सबको दो, मेरा पेट खाली हो गया है, मेरे बच्चे को खिलाना है। और उसी तरह से मैं भी इन लोगों को दे देता हूँ खाने के लिए सबको। तो फिर चलिए अभी दरवाज़ा को खोलते हैं और सब कुछ देते हैं। और फिर एक हाथ से कैमरा पकड़ रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए थोड़ा यहाँ मैं रख देता हूँ। तो चलिए यहाँ मैं दे देते हैं, और दे दिया है सब कुछ, और दरवाज़ा को भी लगा देते हैं। ये देखिए, और इसको भी यहाँ में रख देते हैं, और दे दिया है 100 फुट। ये देखिए 100 फुट देते हैं अभी ये दो, एकदम अच्छी तरह से खाएगा। ये देखिए जो अच्छी तरह से खाएगा, खाके अपने बच्चे को भी खिलाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, 100 फुट देते ही ये दोनों खाना शुरू कर दिया है। ये देखिए, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये 100 फुट खाने के बाद ही तुरंत ही अपने बच्चे को खिलाने के लिए सीधा इस ब्रीदिंग बॉक्स पे चला जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इन लोगों को खा लेने दीजिए। ये दोनों एकदम अच्छी तरह से खाएगा, खाने के बाद ही तुरंत ही एकदम फटाफट से अपने ब्रीदिंग बॉक्स पे जाएगा, अपने दोनों बच्चों को
एकदम अच्छी तरह से फिट करवाएगा। तो फ्रेंड चलिए इन दोनों को खा लेने देते हैं पहले, उसके बाद दिखाते हैं बच्चों को कैसे ये दोनों फिट करवाते हैं। तो फ्रेंड अभी जा रहे हैं अपने ब्रीदिंग बॉक्स के अंदर, और वो देखिए एक दरवाजे के एकदम नज़दीक है, वो देख रहा है अपने बच्चों को और अभी खिलाएगा। जैसे कि मैं सॉफ्ट फूड इन लोगों को दे दिया था, ये लोग खा के अपने बच्चों को खिलाने के लिए गया है। और फ्रेंड्स ये गया है अंदर, फ्लैश लाइट ऑफ कर दिया, इसलिए फ्लैश लाइट को देखकर ही डर रहा था, इसलिए मैंने फ्लैश लाइट को ऑफ कर दिया। दोनों चला गया है। तो फ्रेंड्स ये फीमेल अपने बच्चों को खिलाने के लिए अंदर आ गया है, लेकिन मैं कैमरा का फ्लैश लाइट जला के रख दिया, इसलिए थोड़ा डर रहा है, इसको खिला नहीं रहा है। जो भी हो ये देखिए ये फीमेल है और ये बच्चा है, थोड़ा कैमरा को देख के डर रहा है। ये देखिए मेरा कपूरा देख रहा है। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं आज के लिए। आज शायद ये लोग अभी नहीं खिलाएंगे अपने बच्चों को, तो बाद में दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये इसका जो मेल है, मेल बाहर है और फीमेल जो है फीमेल अंदर है। और ये देखिए बच्चों को खिला रहा था जैसे मैं कैमरा लेके आया। ये कोने में छुप गया है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं मेरे एक दूसरे वीडियो के साथ। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, गुड नाइट।